इतिहास के बाद अब बात वर्तमान की। वर्तमान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास होगा। तो आज की राजनीतिक खबर बिहार से इस तस्वीर को देखिए। सवाल यही है कि क्या सियासी चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए हैं और ये सियासी चक्रव्यूह किस तरीके से बुना हुआ है। इसमें एक तरफ बीजेपी नाराज नजर आ रही है, दूसरी तरफ लालू यादव जो कि चिराग पासवान को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिराग पासवान अपनी रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं और उधर जेडीयू में भी असंतोष नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो धुरी है वो नीतीश कुमार ही हैं। समझिए ऐसे क्यों कहा जा रहा है। इसलिए बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब थोड़े घिरते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह को शामिल किए जाने से जेडीयू में कई दिग्गज नाराज हैं। आरसीपी सिंह से असंतुष्ट नेता पार्टी में अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू के दिग्गज नेता अभी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, रूटीन मुलाकात है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। नीतीश की दूसरी परेशानी सहयोगी पार्टी बीजेपी को लेकर है। गठबंधन में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन नीतीश सीएम हैं, इसलिए बीजेपी के नेता गाहे बगाहे नीतीश पर निशाना साधते रहते हैं। अब मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश को निशाने पर लिया है। सरकार तो पिछला 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार, मतलब जितना होना चाहिए उतना अच्छा तो हम नहीं कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का और मजबूती से मतलब होना चाहिए और जो सुशासन का जो राज है वो दिखना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी कैसे नीतीश को घेर रही है ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले समझिए कि जेडीयू और बीजेपी के नाराज नेता क्यों नीतीश को घेर रहे हैं, संकट में क्यों है नीतीश कुमार। नीतीश कह चुके हैं कि बतौर सीएम ये उनका आखिरी टर्म है। जेडीयू में नीतीश के बाद कौन इस सवाल पर घमासान शुरू हो गया है। आरसीपी सिंह नीतीश के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके मंत्री बनने से दूसरे नेताओं को लग रहा है कि नीतीश के बाद आरसीपी सिंह पार्टी पर हावी हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता भी अब नीतीश के बाद की रणनीति पर आगे सोच रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।